माता पिता के साथ ही लग गया था काम करने में। क्योंकि परिवार के हालात ऐसे थे, रेडी एक रेडी वाला क्या कर सकता, समझ सकते हो, तो उन्हीं के साथ लग गए थे काम करने में। तो आज प्रभु की कृपा है, इनका आशीर्वाद है, इनकी जो भी इन्होंने हमें सिखाया, जो भी आज तक रेसिपी है वो मेरे माता पिता की। Hey guys, welcome back to my channel #BeAwesome। और आज मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 28 में, शॉप नंबर 151 और 152 के बाहर, जिसका नाम है पाल ढाबा, जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है। बॉलीवुड के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे हमेशा आते हैं अगर वो चंडीगढ़ विजिट करते हैं। और पाल ढाबा वर्ल्ड में फेमस क्यों है, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो स्टे विद अस। बट बिफोर दैट, फर्स्ट गो सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। तो मेरे साथ है प्रतपाल जी। सबसे पहले तो नमस्ते सर। सर, आपने इतना अमेजिंग सा जो ढाबा यहाँ पे खोला हुआ है, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है और कई सेलिब्रिटीज यहाँ पे आते रहते हैं, तो सर ये जर्नी कैसी रही? जर्नी ऐसे है जी, वैसे तो जो कुछ है ये मेरे माता पिता की देन है, ये फोटो लगी हुई है उनकी, इन्हीं की देन है सब। इन्होंने एक रेडी से शुरू किया था सेक्टर 22 से, आज से कम 70 साल पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो इन्हीं की मेहनत है। ये तो पेरेंट्स जी, जो कुछ इनका इन्हीं की देन है जो हमें मिली आज, जो हम अच्छे से खाना बना सकते हैं, गाँव को अच्छे से बोल बानी बोल सकते हैं, हर चीज़ इन्हीं से ही सीखा है। तो सर मतलब आपने कब स्टार्ट किया था अपने? मैं बचपन में लग गया जी, करीब को 8 साल की 9 साल की उम्र में जी माता पिता के साथ ही लग गया था काम करने में। क्योंकि परिवार के हालात ऐसे थे, रेडी एक रेडी वाला क्या कर सकता, समझ सकते हो, तो उन्हीं के साथ लग गए थे काम करने में। तो आज प्रभु की कृपा है, इनका आशीर्वाद है, इनकी जो भी इन्होंने हमें सिखाया, जो भी आज तक रेसिपी है वो मेरे माता पिता की। तो कभी आपने सोचा था, मतलब कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमने एक छोटी सी रेडी से स्टार्ट किया था, तो कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा इसकी एक लेगेसी स्टार्ट कर पाएंगे, शुरू कर पाएंगे? जो हालात थे, जो हालात थे, सोचा तो नहीं था, लेकिन मालिक ने बड़ी कृपा करी। सोचते थे यार हमारी भी शॉप हो, ये हो, वो हो, लेकिन वो सब कुछ पूरा हुआ शॉप। बट उसके लिए मेहनत करी, मेहनत तो करनी, क्योंकि ये अभी मुझे बता रहे थे कि ये सुबह 4 बजे उठते हैं और 6 बजे तक यहाँ आ जाते हैं। 6 बजे 5 मिनट 6:15 बजे लेट कभी नहीं होता, और ये सारा दिन फिर शॉप पे रहते हैं। शाम के 6:30-6:30 बजे तक रहता हूँ, केवरी बेटा कहीं गेवा कबीलदार है तो डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। सर इतना जोश कहाँ से लेके आते हैं? जोश ये कह लो कि ये चंडीगढ़ पंचकूला मोहाले की पब्लिक का प्यार है, वो तो है, वो प्यार करते हैं। तो हम अच्छे अच्छे मन से खाना बना के, तो उनको देख के जब खुशी हो, कस्टमर उठता है ना जी, बताते हैं ये चीज खाई बहुत अच्छी है, तो खून बढ़ता है, अपने जोश आता है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज तो रेगुलरली आते रहते हैं, और अभी रिसेंटली सर सबसे किसने विजिट करी थी यहाँ पे? देखो जी अभी फोटो लगे हुए हैं, बच्चे बता पाएंगे प्रॉपर ये कौन पहले है, क्योंकि मैंने कई तो देखी, इम्तियाज अली की लगी जी, हुई है, बी पराग की लगी हुई है, बहुत सारे 3 बार आ चुके हैं जी। मैं तो सबके नाम नहीं बताऊंगा जी, अगर बोलूं तो ये कह लो भी आधा फिल्म इंडस्ट्री मेरे पास खाना खा चुका है। ये बात है, बिकॉज जब हम लोग MTV में भी थे और रोडीज में थे, तब जब चंडीगढ़ के ऑडिशन हुए थे, तो जितने भी हमारे गैंग लीडर्स थे, दे ऑल वर सेइंग कि आज ना पाल ढाबे पे जाके खाएंगे, तो मुझे तब से पता है ये चीज। सबसे पहले मेरे पास VTV वाले आए थे जी, को कम से कम ये कह लो भाई 25 साल हो गए होंगे इस बार। 25 साल अभी TV वाले आए थे, उन्होंने मैसेज शूट किया था। तो सर ये जो शॉप है, ये आपने कब स्टार्ट करी यहाँ पे? ये मेरे फादर साहब ने शुरू करी थी जी, 1960 में ये शॉप। 1960 में हम यहाँ सेक्टर 28 में ही, 1960 से हम सेक्टर 28 में ही। तो और भी आपका प्लान है फ्रेंचाइजी खोलने? फ्रेंचाइजी ऐसे है जी, फ्रेंचाइजी तो मुझे लोग बहुत बहुत पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, पैसे तो मिल जाते हैं, नाम लेकिन वो आने वाले समय में थोड़ा नाम डाउन होता है, इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि आप जितने दिल से बनाते हैं जरूरी नहीं है दूसरा भी ऐसे ही बनाए। ये है मेरी कोशिश जरूर, अगर ये पूरी लैंड भी शोरूम मुझे मिले ना, रेंट में मिले, जैसे मिले, मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा।
जरूर सर, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हो। और यहाँ पे कनाडा के प्रेसिडेंट 2009 में आ चुके हैं स्टीफन हार्पर जी। बिल्कुल ठीक है जी सर। प्रेसिडेंट कनाडा जी, हां जी कनाडा प्रेसिडेंट जी। सारे पंजाब के नेता जा रहे हैं, तुम भी कनाडा आ रहे हो? हां जी कनाडा ले चले हैं जी। उन्होंने 2 महीने पहले मेरे इतने सारे विजिट किया जी। उन्होंने एमएससी तो बंदे आए हर जी, कोई ऐसा महकमा नहीं होना जो भी कानूनी महकमा जरा जिन्हें पाल ढाबे से विजिट करके प्रधानमंत्री जी वास्ते सेफ नहीं किया है। तो आप तभी उसी चीज से हमें पता लगता है कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो लाइक द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड द लव एंड अफेक्शन। तो कहते हैं ना जब चीज़ बहुत ही अच्छी होती है और जो फेमस होती है उसकी कॉपीज बहुत ज़्यादा बनती है। तो ऐसे ही कई लोग अगर आपको मिले जिन्होंने पाल ढाबे के नाम से ढाबे खोले हों तो वहाँ पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो ओरिजिनल ब्रांच है जो 1960 से है वो है सेक्टर 28 में शॉप नंबर 151 एंड 152। दैट इज़ द ओरिजिनल शॉप। तो इफ़ यू आर कमिंग टू चंडीगढ़ तो सेक्टर 28 शॉप नंबर 151 एंड 152 ही ओरिजिनल पाल ढाबा है। तो यहाँ पे आइए, बाकी सब तो फेक है यार। अब हम क्या बताएं, आपको एड्रेस तो बताई दिया, आप जरा आके एक बार टेस्ट करके जाइए। सो वी हैव देयर मेन्यू वेजिटेरियन से लेकिन नॉन वेजिटेरियन सबके लिए कुछ ना कुछ है और रेट्स भी काफ़ी फीजिबल है यार। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब पूरी फैमिली के साथ आके आप मील इन्जॉय कर सकते हैं। सो वॉट आर वी गोइंग टू हैव? मटन रोगन जो वे गोइंग टू ट्राई दैट, चलेगा बिकॉज मैं अपनी फेवरेट चीज़ ही इन्जॉय करूँगी। सो दैट इज बेस्ट थिंग। सो मटन रोगन जो एंड साथ में वी विल सी अबाउट बटर चिकन एज वेल, साथ में रोटी तो खा के देखते हैं कैसे। सो मटन रोगन जोश है ये एंड दिस इज बटर चिकन। बटर ही बटर है, बटर की बटर। ओके, थोड़ा। सो इसके नीचे आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि मैं इतना खाती हूँ। सो यस एक्चुअली आई ईट अ लॉट, सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट विद तंदूरी रोटी एंड इसके साथ मेरे पास है चटनी भी। लेट्स ट्राई एंड देन वी हैव सैलड एज वेल। सैलड खाना चाहिए बट मैं कम खाती हूँ तो मैंने सैलड नहीं लिया है। बट यू ट्राई दिस, ओह माय गॉड, यू कैन सी मेरे मुंह से पानी बह रहा है। फूड इज रियली रियली नाइस। मटन बहुत ही अच्छा है, स्पाइसी नहीं है और मुंह में एकदम घुल जाता है। सो इट्स वेरी नाइस, मसाले बिल्कुल परफेक्ट है। हाय बस अब खाने दो यार, बस करो यार शूट अप। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट बटर चिकन। सी कितने इजीली ये टूट गया एंड सी जिसे कहते हैं जन्नत। राइट नाउ आई एम इन हेवन। अब लेट मी एंजॉय। बटर भी बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। सो बोथ ऑफ देम आई गिव अ थम्स अप, ये तो आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। आप खाने तो यार अब मत देखो बिकॉज आई एम वेरी वेरी बैड इन कि कैसे खाएं, स्पून से खाएं, तो मैं तो बहुत देसी ईटर हूँ। सो प्लीज़ लेट मी। सो खाना खाने के बाद मेरा पेट पूरा भर चुका है और मुझे बहुत गहरी वाली नींद आ रही है बिकॉज द फूड इज़ रियली अमेजिंग। रीजनेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड द क्वान्टिटी इज़ अमेजिंग और टेस्ट तो पूछो ही मत। मेरी आंखें बंद हो रही है बट इट्स ओके। सो आई गिव अ थम्स अप टू दिस प्लेस। अगर आप लोग चंडीगढ़ आते हो तो यू नीड टू विजिट सेक्टर 28 पाल ढाबा और कुछ भी खा सकते हो बट मैंने नॉनवेज ट्राई किया सो इट्स अमेजिंग। सो डू कम एंड ट्राई इट आउट। सो मेरे साथ है कुछ कस्टमर्स जो अभी अभी पाल ढाबे से खाना खा के बाहर आए हैं। सो आई एम गोइंग टू आस्क देम कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपका नाम? मैं मयूर विदात है, मैं नासिक से हूँ। काजल चंडीगढ़ से। तुषार महाराष्ट्र। वृशाली नासिक से। तो स्पेशली नासिक से यहाँ पे ये लेके आई होगी आपको चंडीगढ़ वाली? लेके आए, हमारे टूर्नामेंट है, बोले इधर अच्छा खाना मिलता है, पराठा मिलता है, इसलिए हम टेस्ट करने आए थे। तो कैसा लगा खाना? काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। क्या खाया? हमने दाल मखनी, पनीर की सब्जी थी और कुछ कढ़ाई पनीर खाया, चीज नान विद ग्रेवी खाया, लच्छा पराठा, गार्लिक नान और दही। चार लोगों को
नासिक जाके बताने वाले अभी हर बार इधर ही आएंगे ये दोनों तो आते रहते हैं मैचेस इधर ही आएंगे तो बाकी आप भी आओगे अब तो पाल ढाबे के साथ हमें भी सब्सक्राइब भी कर लेना तो अगर आप लोग चंडीगढ़ रहते हैं और यहाँ चंडीगढ़ में आते हो तो यू नीड टू विजिट सेक्टर 28 पाल ढाबा फॉर इट्स अमेजिंग अमेजिंग डिशेज और इनका टाइमिंग है सुबह 8 से रात 11 बजे तक तो कभी भी आ सकते हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सबके लिए परफेक्ट है एंड टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस फॉर ट्रैवल लाइफ स्टाइल एंड फूड यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फर्स्ट थैंक यू एंड बी ऑसम बिल्कुल बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती है।